नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पिपरा प्रखंड के महेशपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 स्थित जीव छपुर गांव में संतो बाबा के स्थान पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल लोग रात से ही संतों और बाबा से मिलने के लिए जमे हुए हैं। असाध्य रोगों से छुटकारा पाने की उम्मीद लेकर लोग दूर दराज से संतों बाबा के दरबार में पहुंचे हैं, पर बाबा आज किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। बताया गया कि बाबा आज दरबार में आए ही नहीं है। दरअसल जीवचपुर गांव में संतो बाबा के नाम से मशहूर 24 वर्षीय सुरेश महतो कई वर्षों से दरबार लगा रहे हैं। इधर कुछ दिनों से सोशल मीडिया के कारण संतो बाबा के चमत्कार की चर्चा वायरल हो गई। दावा किया गया कि संतो बाबा किसी भी असाध्य बीमारी को पल भर में ठीक कर देता है। कहा जाता है कि फूल अक्षत छिटकर और रोगियों को छूकर संतो बाबा दिव्यांगों को भी ठीक कर देते हैं। ऐसे में दूर दराज से लोग यहां पहुंचने लगे। बताया जाता है कि बाबा के दरबार में पर्ची कटती है, तभी बाबा किसी को देखते हैं, लिहाजा लोग पर्ची काटने के लिए रात में ही यहां पहुंच गए ताकि सुबह उनका नंबर लग जाए। रात भर लोग खुले आसमान के नीचे सोकर रात बिताते हैं, जबकि यहाँ ना पानी की समुचित व्यवस्था है और ना शौचालय की। आज तो हद हो गई जब करीब 10,000 के आसपास लोग पहुंच गए। आलम यह रहा कि आसपास के स्कूलों में भी लोग ने डेरा डाल दिया, जिससे बच्चों का पाठन प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों के दरवाजे लोगों से पट गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यहाँ भीषण गर्मी में लोग परेशान हो गए। लोग संतो बाबा के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन बाबा नहीं आए, जिसके बाद लोग धीरे धीरे अब निराश होकर घर लौटते नजर आए। बड़ा सवाल यह है कि पूजा पर बैठकर हर पल झूलते लोगों की पीड़ा हरने का दावा करने वाले संतो बाबा की करतूत पर प्रशासन की अब तक नजर क्यों नहीं पड़ी। हर दिन भीड़ में इजाफा होता रहा, लेकिन प्रशासन बेखबर बना रहा। बिना किसी प्रशासनिक व्यवस्था के भीड़ एकत्रित कर लोगों के जान का संकट में डालने वाले संतो बाबा की हरकत पर नजर क्यों नहीं रखी गई। जानवरों से बदतर हालत में जमी भीड़ के लिए कोई भी सुविधा नहीं होने से गांव के लोग भी अब नाराज हो गए हैं। आसपास के इलाके में गंदगी फैलने से लोगों का जीना मुहाल है, लिहाजा लोगों ने ऐसे ढोंगी संतो बाबा पर अविलंब नकेल कसने की बात कर रहे हैं। फिलहाल आज बाबा अपने दरबार से गायब है और लोग इसको लेकर काफी नाराज हैं। हमारी टीम ने कोशिश की कि बाबा से उनका पक्ष ले लिया जाए, लेकिन बाबा अचानक दरबार से गायब हो गए, लिहाजा उनका पक्ष नहीं मिल सका। बाबा कैसे असाध्य बीमारी को ठीक कर देते हैं, ये बात सच है या महज एक भ्रम है, ये तो बाबा ही बता पाएंगे। हालांकि इस बीच संतो बाबा और सुरेश महतो सोशल मीडिया पर लाइव आकर लोगों को बताया है कि आज से अनिश्चित काल के लिए दरबार को बंद किया जा रहा है। कहा कि पहले हमने 400-500 श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ इंतजाम किए थे, अब क्योंकि ज्यादा लोग आने लगे हैं, लिहाजा समुचित इंतजाम होने के बाद ही दरबार अब शुरू किया जाएगा। बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आधुनिकता के इस दौर में जब विज्ञान काफी तरक्की कर रहा है, ऐसे समय में एक बड़ी आबादी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रही है। बावजूद प्रशासनिक स्तर में इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता को उजागर कर रही है। ये बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर। कल किसी तरह ना गए खाएंगे जाएंगे एडजस्टमेंट करके, अब आज बोलते हैं बाबा नहीं आए। चलन चलन ये बाबा देखा है इसको? नहीं देखे। क्या क्या कुछ बाबा से बात हुई आप लोग? अच्छा, हम लोग पूछते हैं बाबा को काहे नहीं आया। बताओ कहाँ से? कौन जिला से था? मधेपुरा जिला से। क्या दिन पूर्णिया से लो सी रात में की भेले बाबा से भेंट भेले? नहीं और इधर हो सुन कल का चुपका मोबाइल में देख लिया था ये तो जो बचपन आई बच्चा बहुत छे कल के बाबा को तो बोला दे छे
अच्छा घर छ हरबा कोन जिला सहरसा जिला बच्चा न सुनै छै नै बोलै छै दूध का क्षमा कर दे तब ना कहाँ से आए हैं अररिया जिला बाबा मिल तो कई बार मिला था 5 बार 7 बार मिला ऐसे तो साल दो साल पहले से तो उस बीच में फायदा हुआ था आपको कभी नहीं तो आज जो आप फिर आस लगा करके आए क्या आस लगा के आए हैं दिखाने के लिए जो हमको जगह दिखाओ हम किया घर जा रहा छे केकरा देखबे ले आल था चाची की आस लगा के लड़ा कुछ पता नहीं लगल बाबा कत कत आयल बाबा मिल आप कत जा रहे हैं और पर्ची यहाँ जो है हम लोग आने से पहले कट चुका है क्या सुन के आए यहाँ यहाँ व्यवस्था तो हम लोग उम्मीदें पर मीडिया वाले को देख के आए हैं लेकिन यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है घड़िया दर्शन है बच्चा किसको दिखा रहे क्या बीमारी दिखाना है हाथ दिखाना है हमारा हाथ दोनों डैमेज है देख लीजिए यही देखना है लोग भी जो आए हैं 4 दिन से यहाँ बैठे हैं कोई पुर्जी देते हैं ऐसा लूट खसोट हुआ है ना वो बोल गए जब गाड़ी से 2-2 हजार टका देकर आते हैं तो यहाँ काम नहीं होता है रात में रहकर सूद का क्या फायदा हफ्ता का तलाक आखिर आखिर कौन गया बुलाने के लिए आपको आपको बुलाने के लिए कौन गया था बुलाने के लिए नहीं गए मोबाइल पर हम लोग को देखे थे भी आए पटना से भी आए हैं दिल्ली से भी आए हैं लेकिन काम भी कोई नहीं हो रहा है यहाँ 4-4 रोज सुते रहता है लोग कोई पैसा नहीं था पर्ची के पर्ची के तो पैसा टूट का लेता है तो उसका क्या मतलब रात में कहाँ थे आप लोग हम यही लोग हम यहाँ थे पोखरी मार पे बैठे इतना इतना गर्मी में आप लोग एक छत और नहीं कुछ था व्यवस्था कैसे सोए आप लोग कुछ नहीं भूखे प्यासे भूखे प्यासे बाबा के नाम सुन के अलिए बाबा कुछ नहीं कल के अगर जाते कल के से सबटा गाछी में बांस में चोरा चोरा का टिकट काटे छे कुछ नहीं कल के मुखिया का सरपंच का सबका 25 टा पर पड़ल के सर इज्जत क्या ना बुझे इज्जत गिरा दल के गाम गाम के लोग गेले हमरा सब के लिए कुछ नहीं सर कल के आहा के नाम 2 दिन आइला भ गेले या कोनो दिक्कत अथी नहीं छे ना सुते का ना बैठे का माने ओका हर चीज का दिक्कत भ रहल छे ओइठिना जाय छे त ओइठिना अपना अपनी का चोरा का नुका का टिकट काटा ले छे घूस दे का 200 300 रुपया दे का घूस दे का टिकट काटा ले छे ना मर जान ना मथी बेईमान से भ गेले या अमर से कारनी का देख नहीं रहल छे आ 4 दिन से लोग मर रहल छे ओइठिना आखिर व्यवस्था की छे ओइठिन व्यवस्था कुछ का व्यवस्था नहीं छे जे लोग पोखर कंछर में मर रहल छे गोट में सुत रहल छे रात किना गेलु बीच बिछवेल त गु पर बिछा लनु बिछना हैं कोनो चीज का व्यवस्था नहीं छे ना एतो पानी का व्यवस्था छे लोग ना मर थे की हेते बाबा के नाम से कनी लो रचना का लोग का आखिर कितना लोग है वहां पर 10,000 से ज्यादा 10,000 से लोग बेसी छे लोग का नहीं छे कल्पै छे ओइठिना लोग बीमारी ला गए किया फैल काम करते नहीं फैल क्या चीज देख करके आए हैं आप लोग मोबाइल से कहल जी बाबा मिले आपको क्या कहे आवाज चलाने लायक नहीं है यहाँ पब्लिक का इतना गैदरिंग है पूरा कचरा कर दिया है पैखाना कर दिया है पूरा भड़ाते से यहाँ पर पूरा गैदरिंग करके पूरा अस्त व्यस्त कर दिया संतो बाबा के धाम से कितना दूर है ये स्कूल 1 किलोमीटर आखिर इतना लोग आया कहाँ से ये तो नहीं कह सकते वो तो बाबा कहता है ये लोग सब लोगों को बाबा बुलाया है तो बाबा जाने कौन है बाबा नहीं है वो तो नहीं हम जानते हैं सब बच्चा और वहाँ नहीं रहता है चल जाता है वहाँ पे संतो बाबा का धाम है आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है
हम लोग को रूम हर जगह रूम भर में भरा हुआ है आदमी, पढ़ा नहीं पाते हैं। कौन सा स्कूल है ये? संतो बाबा का जगह अच्छा है, संतो बाबा के आर में भगत जो है ढोंगी बाबा है, लोगों को लूट रहा है, टिकट बेच रहा है, हजार हजार रुपए में लोग परेशान है, पता नहीं यहाँ क्या हो जाएंगे। रात को 1:30 बजे तक हम और बराबर और रोड पे लोग खोया था, उसको देखते रहे, लेकिन कितना लोग गिरा मरा कोई देखने वाला नहीं है। कि भक्ता जो है ढोंगी है, लूट खसोट कर रहा है। संतो बाबा का जो स्थान है ना, स्थान पर जो सुरेश नाम का महत्वपूर्ण लड़का है, ठीक है सर, वह लड़का अपने मनमानी काम कर रहा है और गांव वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। बस उसका मैटर रही है कि हमको झूठा यहाँ बयान कह करके मुझे पैसा कमाना है, इस गांव को गुमराह करना है। सीधा उसका दिमाग में ये बात है, वो बोल रहा है कि हम बोक को बोलेंगे। उसी का घर के बगल में शंभु मेहता का एक बेटी है, इतना बड़ा शादी जो है उनको बजा दे, हम लोग उसको मान लेंगे। उसी का घर के बगल में एक लेडीज को बच्चा नहीं हो रहा है, उनको दे दे, हम लोग मान लेंगे। जिसका बेटी है शंभु ही बोल रहा है कि अगर मेरा बेटी को बजाएगा तो हम 5 कट्ठा इसको जमीन। क्या आप यहाँ का स्थानीय ग्रामीण है? बिल्कुल स्थानीय, हम लोग ग्रामीण लोग हैं। आपके घर पूजा पाठ कुछ दिन के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए हैं, थोड़ा दिन के बाद अगर हम व्यवस्था शेड्यूल कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो फिर से चालू कर लेंगे। पहले जो हम व्यवस्था किए थे 400, 500, 1000, 2000 तक का व्यवस्था किए थे, जितना भी श्रद्धालु को नाते थे तो 2000 के अंदर भी रहते थे तो उसका व्यवस्था हो जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आने लगा है। अब व्यवस्था ठीक होने के बाद फिर से दरबार को चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज़ के साथ।